आप इस वृक्ष में एक विशेष चीज देख रहे हैं? सुप्रभातम टू ऑल ऑफ यू। जय श्री राम मेरे दोस्तों, मित्रों, भक्तों एवं संतों। मेरे YouTube नोमैडिक भारतीय चैनल पर आपका स्वागत है। ये वृक्ष है पाकड़ का, और इसमें देखिए हनुमान जी जैसी, न कोई कटिंग की गई न कोई कुछ, सामने आप देख रहे हैं ये हनुमान जी जैसा ये यहाँ मैं हूँ। यहाँ पहले कुछ बना था और उसी पे पेड़ उगाए हैं। ये आप देखिए तुंगभद्रा के तट पर ये बट वृक्ष है, और ये आप जो देख रहे हैं ये पोर्शन एकदम ऐसा लग रहा है जैसे हनुमान जी बने हुए हैं। इस वृक्ष में हनुमान जी का चित्रण ऑटोमेटिक बना है अपने आप कटिंग कर होके, ये आप सामने देख रहे हैं। मैं बाली के किले में पहुंच चुका हूं, और इसके अंदर बहुत दिव्य है। बाली की वो गुफा बहुत महत्वपूर्ण है जिसमें बाली रहता था। तो आपको बता दूं, इस किले में एक दीवार इससे पहले है तो लगभग आधी टूट चुकी है, और घुसते ही आपको हनुमान जी का मंदिर मिलेगा और फिर देवी मंदिर जो पुनर्निर्माण किया जा रहा है। ये बाली के किले का गेट आप देख रहे हैं, बाली के किले का गेट आप देख रहे हैं। मैं इसके अंदर चलता हूँ, और इसमें महत्वपूर्ण है बाली की गुफा जिसमें बाली रहता था, क्योंकि इस क्षेत्र का बाली राजा था। और ये आसपास आधुनिक पुरातत्व विभाग ने वृक्षारोपण कर दिया है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत खोजने के बाद बाली की गुफा मिली है, तो आप मेरे इस परिश्रम का प्रतिफल देंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। चैनल को यदि सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके आप मुझे प्रोत्साहित करेंगे, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके प्रोत्साहित करेंगे। तो हम बाली की गुफा पे पहुंचने वाले हैं, वो आपको दिखाते हैं। जल की व्यवस्था के लिए गुफा से पहले पुष्करणी आपको मिलेगी जो बहुत प्राचीन है। आप देख रहे हैं पुष्करणी मतलब तालाब, और तालाब नहीं, ये तो पूरा कुआं है। अंदर जाने की सीढ़ी भी थी, सीढ़ीदार कुआं है ये। राक्षस के विषय में पता चल गया भाई, मैं आपको बताता हूँ। ये दुंदुभी को बाली ने मारा था ना, तो और मतंग ऋषि के स्थान पर ऋषिमुख पर्वत पे डाल दिया था, इसलिए मतंग ऋषि ने बाली को श्राप दे दिया था। तो वही दुंदुभी का ये बड़ा भाई राक्षस था जो बाली से लड़ने के लिए आया था, जिसको इस गुफा में बाली ने मारा था। नाम अभी भी उसका नहीं पता है, पता चलते ही मैं आपको जानकारी दूंगा। यहाँ से इस पूरे किले में अंदर जाने का पहले रास्ता था, इस समय ताला लॉक कर दिया गया है। आप देख रहे हैं मैं गया हूँ, और पीछे पंपा सरोवर दिखाई देता है, लेकिन ताला लॉक है तो इससे आगे आप नहीं जा सकते। तो ये आप गुफा का स्वरूप देखिए जो आधुनिक में ये हो चुका है। ये दुंदुभी के भाई को यहाँ मारा था, उसका एक गेट ये भी है ये। तो इस तरफ से अब चूंकि भूकंप और ये सब तमाम परिस्थितियाँ होती रहती हैं, तो परिवर्तन तो होता रहता है। ये है जो अभी बता रहे थे 4 किलोमीटर लंबी है, तो ये आप देख रहे हैं। मैं चलूँगा अंदर,
और मेरे कह में मैं चल रहा हूँ, मोबाइल में टॉर्च नहीं लगी इसलिए बता नहीं सकते। और ये आप देख रहे हैं, पूरा पोर्शन आपको दिखा रहा हूँ, लाइट आ रही है। ये गुफा का पोर्शन है जिसमें मैंने प्रवेश किया। और ये तो उस युग में निश्चित ही संशय कोई नहीं, 4 किलोमीटर लंबी रही होगी। और ये मैं चलते हुए आया, टार्च मेरी जली नहीं। यहाँ तक तो मैं आया था इस गेट से, और मैं एकदम अंधेरे में खड़ा हूँ और इस तरफ निकल रहा हूँ। ये आप देखिए, ये इस रास्ते से आप देख रहे हैं, इसी रास्ते से मैं आ रहा हूँ। तो पूरे गुफा की परिक्रमा कर लिया और गणेश भगवान का ये बाहर आ गया। वो बता दूं कि मैं बाली के किले में घूम रहा हूं, और बाली की गुफा आपने देखा जहां दुंदुभी के बड़े भाई को बाली ने मारा था। और जो गेट आपको बंद दिखाया उसके आगे मैं गया हूं, लेकिन एक दुर्घटना घट जाने के कारण उस गेट को फॉरेस्ट विभाग, पुरातत्व विभाग, टूरिज्म विभाग ने बंद कर दिया। वो घटना ये घटी कि कोई चीता उसमें था। इस क्षेत्र में भालू और चीते बहुत पाए जाते हैं, तो किसी दर्शनार्थी को जो दर्शन करने गए थे, क्योंकि अंदर पत्थर ही पत्थर हैं और गुफाएं ही गुफाएं हैं, तो और पीछे उधर पंपा सरोवर भी दिखाई देता है, तो किसी पे अटैक कर दिया था और मार दिया था, तो इसलिए यहाँ गेट लगा के उसको बंद कर दिया गया है। ज़रूरी तो ही है सुरक्षा के लिए भाई। तो अब इस बाली का गुफा का आपने दर्शन किया, बाली के किले का दर्शन किया, अद्भुत दर्शन है, और गणेश भगवान का आपने अद्भुत दर्शन किया। तो इन दर्शनों के बाद अब इस वीडियो को मैं यहीं संपूर्ण करता हूं, और आप मुझे, ये इमली का पेड़ है देख लीजिए, बहुत पुराना, तो आप मुझे एक बनता ही है भाई मेरे वीडियो का, तो वीडियो पे लाइक ज़रूर कर दीजिए, और यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और किए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।